नमस्कार, आप देख रहे हैं आरफट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। लॉकडाउन में आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों को भोजन उपलब्ध कराए जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा जहां कई जगहों पर सामुदायिक किचन संचालित किए जा रहे हैं, वहीं कई स्वयंसेवी संगठन भी गरीब की सेवा में लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं। पटना सिटी के गायघाट के समीप स्वयंसेवी संगठन से जुड़े लोगों द्वारा 20वें दिन भी सैकड़ों गरीबों के बीच निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर स्वयंसेवी संगठन से जुड़े सदस्यों का कहना था कि पीड़ित मानवता की सेवा को लेकर वे लोग प्रत्येक दिन विभिन्न चौक चौराहों पर स्लम बस्तियों में जाकर सैकड़ों गरीबों के बीच भोजन का पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। स्वयंसेवी संगठन के लोगों ने लॉकडाउन जारी रहने तक हजारों गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराए जाने का भी भरोसा दिलाया है। क्या मिलता है जो गरीब जो असहाय है, जो गरीब है, जो इनकम स्रोत नहीं है, उनको खाना जी गर्म निगम 12 तारीख को शुरू किए हैं और जब तक जारी रहे जब तक किस तरह के लोगों का आवेदन करें, कहाँ कहाँ हम लोग अपने आवास से निकलते हैं और गाय घाट है, पचमज्जा और नई सड़क से सब होते हुए असलम बस्ती वगैरह में भी असलम बस्ती में भी बिल्कुल हम लोग क्या क्या वितरण करते हैं खाने में। हम लोग खाना में कभी पूरी सब्जी हुआ पकवान बना के हम लोग वितरण करते हैं। और आगे कब तक करते रहेंगे? जब तक जारी रहे। नाम बताइए। रंजीत कुमार। किसके द्वारा वितरण करते हैं? हम लोग अपने प्रगति भारत संस्था है की ओर से अध्यक्ष हुए रविशंकर जी।